हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं दिन के 11 बजे से कर रही हूँ और हमारा खाना पीना हो चुका है, सारा काम भी हो गया है। लेकिन गाइस, अभी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, दो दिन से बारिश हो रही है। मौसम तो काफ़ी दिनों से ख़राब हो रहा था, लेकिन पहले इवनिंग में ख़राब हुआ, फिर फर्स्ट डे दिन में थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन अभी दो दिन से कंटिन्यू दिन में बारिश हो रही है, पूरे दिन बारिश है। बच्चे के कपड़े भी नहीं सूखे हैं, तो गाइस अंदर ही अंदर बच्चा भी बोर हो गया, हम भी बोर हो गए, क्योंकि क्या करें, एक तो ठंड भी बहुत बढ़ गई है, लग नहीं रहा है मार्च का महीना होगा, ऐसा लग रहा है दिसंबर जनवरी चल रहा है। पता नहीं अब मौसम भी ऐसा क्या हो रहा है, पहले तो दिसंबर जनवरी में इतनी ठंड होती थी, लास्ट फरवरी तक होती थी, लेकिन अब तो मार्च में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे दिसंबर का महीना हो। तो गाइस थोड़ा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ आज का मौसम। तो गाइस देखिए, बारिश हो रही है और ऊपर मंकी भी बैठा है। और देखिए आगे तो पूरा बंद है, मौसम कोहरा इतना लगा है, बारिश भी हो रही है, छत से पानी लगा रहा है। देखिए गाइस, पूरा आगे बंद है कोहरे से, खुलने के तो कुछ आसार लग नहीं रहे मौसम के। देखो तो गाइस मौसम तो पूरा ख़राब हो रहा है, बुरा बुरा लगा है, पूरा सा लग तो नहीं रहा है मौसम खुलेगा। आप देखो दिन तक क्या होता है, थोड़ा सा मौसम खुलता तो कपड़े सूखते, धुले कपड़े दो तीन दिन से वही हैं, हमारे कपड़े भी हैं लेकिन सूख ही नहीं रहे, गुनगुन होते दिन से डायपर पे ही है पूरे दिन, जैसे ही डायपर भरा चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन मतलब पैजामे में रख नहीं रहे क्योंकि डायपर लगाना ज़रूरी है, बच्चे को भी ठंड लग सकती है ना, तो एकदम से मौसम चेंज हो गया है। मैं सोच रही थी कि जाड़ों कट गई है इस बार, चलो अच्छा हो गया, लेकिन अब क्या पता है, हम पता था कि इस मौसम में भी इस टाइम पे भी ऐसा मौसम हो जाएगा। तो गाइस ठंड बहुत हो रही है, तो मैं भी जाती हूँ अंदर, मिलती हूँ आपसे बाद में। हेलो दोस्तों, तो मैं दिन के 12 और जैसे कि मैं भी सो गई हूँ, थोड़ा सा ही गोद में रखा था तो मैंने ऐसे सो गया था, मेरी जैकेट वगैरह अभी कुछ नहीं उतारी है क्योंकि अभी बहुत ठंड हो रही है, मम्मी को जैकेट टोपी से पहना रहा है, तो सॉक्स वगैरह तो उतार दी, मैं टोपी भी उतार ली, तो जैकेट ही नहीं उतारी, उतारने की ना नींद खराब हो जाएगी, तो अपने आप सोता है थोड़ा बढ़िया। तो अभी कुछ दूर सो रखा है, तो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस पीती हूँ चाय, और गुन्नू भी थोड़ा पढ़ाई कर रहा है, गुन्नू के लिए दूध भी लेके आई हूँ, तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर गुन्नू को पिलाऊंगी दूध। और अभी सब्जी वगैरह की कोई तैयारी करी नहीं है, क्योंकि अभी तो 3 ही बज रहा है, टाइम काफ़ी है, उसके बाद गुन्नू को दूध पिला के सुला दूँगी, उसके बाद ही तैयारी करूँगी खाने की। तो गाइस जब पीती हूँ चाय, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैं काट रही हूँ आपको सब्जी, आज 2 सब्जी बनानी है, एक तो आलू मटर और एक हरी सब्जी। तो आलू तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और हरी सब्जी अब तक काट लेती हूँ, अब तक आलू भी बॉईल हो जाएंगे, अभी प्याज लहसुन कुछ काटा नहीं है, उसके लिए काटना है। तो गाइस अब काटती हूँ सब्जी, फिर मिलती हूँ लोगों से। Thank you.
यहाँ पे काट दिया मैंने हरी सब्जी। देखिए ज़्यादा बारीक तो नहीं काटी है, लेकिन ठीक काटी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा बारीक। तो गाइस अब ले जाती हूँ हरी सब्जी को किचन में, और अभी देखती हूँ आलू भी बॉयल हुए नहीं हुए, और तब तक मैं प्याज और टमाटर काट देती हूँ, मटर भी छील लेती हूँ। तो गाइस मैं काटती हूँ प्याज। मैंने काट लिया है प्याज, प्याज तो बहुत मिर्च हो रही है, मेरी आँखों बहुत मिर्च लगी, लहसुन डाल देती हूँ, मैं छिलती हूँ मटर। तो गाइस जब मैं छिलती हूँ मटर, और ये लेके आ रही हूँ मटर के लिए बाउल।